भारत ने जैसे ही चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, वैसे ही अमेरिका सहित कई देशों में चावल की लूट मच गई है। यहाँ शॉपिंग मॉल में चावल को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में चावल काफी महंगा होने वाला है। पूरी दुनिया को लगभग 40% चावल निर्यात करने वाले भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गैर बासमती चावल पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार के इस कदम के बाद अब घरेलू बाजार में जहां चावल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के बाजारों में चावलों के दामों में जबरदस्त इजाफा होगा। बता दें कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चावल निर्यात पर बैन के फैसले का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बसे भारतीयों पर नजर आया। वे प्रतिबंध की जानकारी से इतना घबरा गए कि उन्होंने चावल की जमाखोरी शुरू कर दी है। जो वीडियो वहां से आ रहे हैं उनसे साफ नजर आ रहा है कि शॉपिंग मॉल में चावल की लूट मच गई है। भारतीय कई कई बोरी चावल खरीदकर घर ले जा रहे हैं। यहाँ चावल की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि कई शॉपिंग मॉल को एक व्यक्ति एक बोरी वाला नियम लागू करना पड़ गया। वहीं चावल की कीमतें अमेरिका में इस हफ्ते एक दशक के बाद सबसे ज्यादा हो गई हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि अगर भारत निर्यात सीमित करेगा तो कीमतें और बढ़ेंगी। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के दाम प्रति मीट्रिक टन $50 बढ़ सकते हैं। वहीं आने वाले दिनों में ये दाम $100 तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रतिबंध से भारत का करीब 80% चावल निर्यात प्रभावित हो सकता है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश की वजह से पिछले 10 दिनों में कीमतों में 20% तक का इजाफा हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल नीनो के कारण सप्लाई की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के चावल निर्यात रोक देने से चावल की वैश्विक सप्लाई पर क्या असर होगा। वहीं दूसरी ओर भारत को देखते हुए चावल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक थाईलैंड के निर्यातकों ने भी नए निर्यात सौदे पर रोक लगा दी है। थाई एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुकियात का कहना है कि अभी निर्यातक भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। भारत के चावल निर्यात की बात करें तो 2019 में 5 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया जाता था। वहीं 2020-21 में ये निर्यात बढ़कर लगभग 12 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है। इजाफे का ये सिलसिला लगातार जारी है। 2021-22 में ये 15 लाख टन से भी ज्यादा को पार कर गया। इसी तरह से 2022-23 में ये आंकड़ा लगभग 16 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पहुँच गया है। ऐसे में यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि काला सागर अनाज सौदा क्या है। बता दें कि रूस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेनी बंदरगाहों से खाद्यान्न के निर्यात की अनुमति देने संबंधी समझौते को खत्म कर रहा है। रूस के इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी जरूरत का अनाज यूक्रेन से आयात करते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन नष्ट होने से अनाजों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।